आधी आबादी को साधने का पूरा प्लान मोदी के पास है। पूर्वांचल फतह का प्लान मोदी के पास है, तभी तो ठीक एक हफ्ते के बाद एक बार फिर पीएम मोदी वाराणसी के दौरे पर आए और चुनावी मंच से उन्होंने नारी शक्ति से संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि पहले कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, लेकिन अब ये लड़के गलती करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि योगी राज में समाजवादी पार्टी के लड़के गलती करके दिखाएं, सपा के लड़कों का वो हाल होगा सोचा नहीं होगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के राज में महिलाएं असुरक्षित थी, लेकिन पिछले 10 साल से महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि इंडी गठबंधन ने महिला आरक्षण का विरोध किया, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं है कि महिलाओं के बिना देश नहीं चल सकता। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि कैसे पीएम मोदी ने आधी आबादी के साथ पूर्वांचल को साधने की रणनीति तैयार की। दिल्ली की सियासत का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और उसी यूपी के पूरब में है महादेव शिव की नगरी काशी। वो वीवीआईपी सीट जो पूरब की पॉलिटिक्स का एपिसेंटर मानी जाती है। यानी जो काशी ने तय कर दिया वो समझिए हो गया। कभी कांग्रेस को सत्ता के मुकाम तक पहुंचाने वाला शहर वाराणसी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे लकी सीट बन चुका है। वो लगातार तीसरी बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और एक बार फिर पूरब की सियासी फिजाओं को बदलने के लिए पीएम मोदी काशी में हैं। बनारस के लोग तो यूपी बिहार दोनों में रहे जंगल राज से परिचित है। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था, बेटियों को सुरक्षा के डर से पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठना पड़ता था और सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। पीएम मोदी का संवाद आधी आबादी से है। पीएम मोदी का संदेश नारी शक्ति के लिए है, क्योंकि जिस सीट से पीएम मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं वहां से पूरे पूर्वांचल तक पकड़ बनाने की है। 2014 के बाद से आपने देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लेकर के मातृवंदना अभियान से लेकर के और आज देश की नई संसद में जिस महत्वपूर्ण अधिनियम को पारित करके आधी आबादी को देश की विधायिका में, देश की संसद और देश की विधानसभा में भी उन्हें प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए भी काशीवासी, प्रदेशवासी और देश की आधी आबादी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनका हृदय से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। वाराणसी सीट के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूपी बिहार की कई सीटों पर इसका प्रभाव पड़ता है। पूर्वी यूपी यानी पूर्वांचल की 13 सीट और बिहार की 8 सीटों पर काशी फैक्टर का असर होता है। दोनों को जोड़ दें तो कुल 21 से ज्यादा सीटों पर मोदी के काशी आने का सीधा प्रभाव पड़ा है। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्यों के लिए काशी हिंदू हार्टलैंड से कम नहीं है। यहाँ के लोगों की काशी में अगाध आस्था है। सनातन धर्म के प्रभाव का त्रिकोण अयोध्या, प्रयाग और काशी को ही माना जाता है। यानी काशी से दिया गया संदेश पूरब का सबसे बड़ा जनादेश बनता है और बीजेपी इसे बहुत अच्छी तरह से समझती है। आज यहाँ पर उपस्थित
पराजित नारी शक्ति अपने भाई को गारंटी देती है कि इस बार 10 लाख से अधिक वोटों से आपको जिताकर संसद में भेजने जा रही है। यानी काशी हिंदुत्व का ऐसा गढ़ रही है जहां की धमक का असर पूर्वांचल की कई सीटों पर होता है। मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर जैसी सीटों पर वाराणसी का रिएक्शन साफ दिखता है। यानी काशी से दिया गया संदेश एक वोटर्स की एक मास ब्रिगेड तैयार करता है, यानी ऐसी ब्रिगेड जो लहर के साथ चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। महिला सुरक्षा की बात पीएम मोदी और सीएम योगी कर रहे हैं, उसका असर वोट बैंक में भी दिख रहा है। अगर 2014 और 2019 के चुनावी आंकड़ों को समझें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिलाओं के वोट मिले थे, जो 2019 में बढ़कर 36% हो गया। पीएम मोदी की नजर आधी आबादी के 100% वोट पर है, जिसे साधने की कोशिश आज वाराणसी में भी दिखी है। इधर आजमगढ़ में अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान एक बार फिर भगदड़ मच गई। वहां से आई तस्वीरों ने एसपी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर अखिलेश के मंच की तरफ बढ़ते दिखे इन तस्वीरों में। इस दौरान पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जब वो नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान काफी देर तक भगदड़ जैसा माहौल रहा। मंच से अखिलेश यादव अपील करते रहे लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने और फिर हंगामे के बीच वो बिना भाषण के ही लौट गए। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट की कैसे पिछले 3 दिनों में अखिलेश यादव की हर जनसभा, हर रैली में इसी तरह की भगदड़ मच रही है। जब अखिलेश यादव की रैली में बरपा हंगामा, जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तोड़ने लगे बैरिकेडिंग, जो कार्यकर्ता झंडे ढो रहे थे, अपने नेता का इंतजार कर रहे थे, जैसे ही अखिलेश मंच पर आए हंगामा करने लगे। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह है या अनुशासनहीनता, ये लाल टोपी वालों का जोश है या फिर हुड़दंग, जिसे देख अखिलेश यादव भी दंग रह गए। अखिलेश यादव अपील करते रहे लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने, तब जाकर पुलिस ने हंगामा शांत करवाया। जो लोग एक हमारे अपने जो पुलिस के भाइयों से कहे केवल धीमे रहे, उससे आगे न जाए। सवाल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से है, सवाल समाजवादी पार्टी के मैनेजमेंट से है, आखिर क्यों अखिलेश जहां रैली करने जाते हैं भीड़ उग्र हो जाती है। इन दो तस्वीरों पर नजर डालिए। पहली तस्वीर फूलपुर की है जहां राहुल गांधी और अखिलेश की साझा रैली के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। दूसरी तस्वीर आजमगढ़ की है, यहां अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। तब भी अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की थी और अब भी वो कार्यकर्ताओं से अपील करते नजर आए, लेकिन लाल टोपी वालों का हुड़दंग जारी रहा। निवेदन करूंगा कि हम लोग अपनी बात आपके बीच में रखने आए हैं। मैं जानता हूं कि आपका उत्साह बढ़ा है, जोश बढ़ा है, लेकिन ये उत्साह जोश
फिलहाल आजमगढ़ और फूलपुर में छठे चरण में चुनाव है, इसके लिए नेता ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता हंगामा, वो भी अपने नेता के सामने, पार्टी अध्यक्ष के सामने, और पार्टी मैनेजमेंट पूरी तरह से हिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। छठे चरण की 14 सीटों पर बड़े बड़े दिग्गज मैदान में है। इस चरण में पूर्व मंत्री मेनका गांधी, कृपा शंकर सिंह, जगदम्बिका पाल, दिनेश लाल निरहुआ जैसे नेताओं के भाग्य का फैसला मतदाताओं को करना है। और ऐसे में अब सीएम योगी ने भी मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि अगर 2019 के परिणाम को समझें तो इस चुनाव में बीजेपी को 14 में से 9 सीट पर जीत मिली थी, जबकि दूसरे नंबर पर बीएसपी रही थी, जिसे 4 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बीएसपी से गठबंधन के बावजूद इस चरण में समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 सीट पर उसे जीत मिली, लेकिन कांग्रेस का इस चरण में खाता भी नहीं खुला था। और ऐसे में छठे चरण के लिए बीजेपी के साथ ही विपक्ष ने भी तैयारी शुरू कर दी है। और आइए इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। छठे चरण की 14 सीटें जहां 162 प्रत्याशी मैदान में हैं, जहां मेनका गांधी, जगदम्बिका पाल, दिनेश लाल निरहुआ और धर्मेंद्र यादव जैसे नेताओं के भाग्य का फैसला होना है। ऐसे में सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनावी रण में उतर चुके हैं, बैक टू बैक रैली कर रहे हैं और विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। श्रावस्ती और डुमरियागंज में सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को राम विरोधी बताया और तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया। जनता ही इनको बता देती है कि जो राम आए हैं हम उनको और ये लोग ठहरे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है ये जो ठहरे राम विरोधी, इन लोगों को ये राम के तो विरोधी हैं लेकिन वोट के लिए ये देश का विरोध भी कर रहे हैं। छठे चरण की 14 सीटों पर भगवा लहराने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। सीएम योगी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि अगर इन सीटों पर 2019 के परिणाम को समझे तो इस चरण की 9 सीटों पर भाजपा, 4 पर बसपा, 1 पर सपा जीती थी। हालांकि उपचुनाव में सपा को आजमगढ़ सीट गंवानी पड़ गई थी। आजमगढ़, अंबेडकर नगर, डुमरियागंज, श्रावस्ती लोकसभा सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला है। अगर हाई प्रोफाइल चेहरों की बात करें तो इस चरण में मेनका गांधी, कृपा शंकर सिंह, जगदम्बिका पाल, दिनेश लाल यादव निरहुआ, धर्मेंद्र यादव, भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी, लालजी वर्मा जैसे दिग्गज मैदान में हैं। ऐसे में इस बार बीजेपी की कोशिश छठे चरण की सभी 14 सीटों पर कमल खिलाने की है। इसके लिए सीएम योगी चुनावी रैली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ साथ ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन देखो क्या कर रहे हैं, इनके द्वारा क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, इनके कारनामों को देखो। अभी इन्होंने कहा है, जब इनसे पूछा गया कि क्या आपकी जनता के लिए योजना है, तो इन्होंने कहा कि हम एक झटके में गरीबी हटाएंगे। कहा कैसे हटाएंगे, कहा जनता की संपत्ति का सर्वे कराएंगे और सर्वे करा करके जो बाप दादों की कमाई की संपत्ति होगी उस पर वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब उसमें से आधी प्रॉपर्टी ये लोग ले लेंगे और लेकर के फिर घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठी, पाकिस्तानी घुसपैठी होगा और किसी और देश से कोई घुसपैठी मुसलमान आया होगा उसको ये लोग बांटने का काम करेंगे। छठा चरण न सिर्फ विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण है बल्कि बीजेपी के लिए भी साख का सवाल है, क्योंकि इस चरण में बीजेपी कई सीटों पर फाइट कर रही है तो कई सीटों पर बीएसपी के प्रत्याशी भी दम दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात उस खबर की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। महाराष्ट्र की ये घटना है, पुणे की घटना है।
जहां जाने माने बिल्डर के नाबालिग बेटे ने शराब के नशे में अपनी 2 करोड़ की कार से बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार लड़के और लड़की की मौत हो गई, लेकिन कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ आरोपी नाबालिग लड़के को जमानत दे दी, लेकिन इन शर्तों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। कोर्ट ने शर्त ये रखी कि सड़क दुर्घटनाओं और उनके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा। इसी पर आप दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कैसे 2 की मौत पर लेख वाली सजा अब हर किसी को परेशान कर रही है। दो करोड़ की कार, दो सौ किलोमीटर की रफ्तार, एक रहीमजादे के बेटे ने कार से 2 लोगों को उड़ा दिया। 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्कूटर को टक्कर मार दी। स्कूटर सवार लड़के और लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एमपी के रहने वाले इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्वनी कोष्ठा की मौत हुई। दोनों एक पार्टी से वापस लौट रहे थे। कार पर नंबर प्लेट नहीं थी, कार सवार नशे में थे। टक्कर के कारण कार के एयरबैग खुल गए थे। पुणे के पॉश कार हादसे में कोर्ट ने आरोपी नाबालिग को घटना के 15 घंटे के अंदर ही जमानत दे दी। कोर्ट ने शर्त रखी कि लड़के को 15 दिन के लिए यरवदा में ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा, दुर्घटनाओं पर एक निबंध लिखना होगा, शराब पीने की आदत का इलाज और काउंसलिंग करानी होगी। वहीं पुलिस ने नाबालिग के पिता और बिल्डर विशाल अग्रवाल को औरंगाबाद से हिरासत में ले लिया है। वो घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। 17 साल का नाबालिग अपने दोस्तों के साथ 12वीं पास करने की खुशी में पब से पार्टी करके वापस आ रहा था। रात करीब 2:15 पर कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारी थी। सबको पता है कि उसने लिकर कितना कंज्यूम किया हुआ था, वो कितनी स्पीड में गाड़ी चला रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, वो बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है, वो भी इतनी हाई स्पीड में, और फिर लास्ट में उसको यह कहकर छोड़ दिया जाता है कि वो उसके ऊपर एक एसे लिख के आएगा, तो ये कोई मजाक नहीं चलता। मेरे भाई की ज़िंदगी के साथ ये बहुत बड़ा मजाक है, और मैं नहीं मानती कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना कुछ इतना ब्रॉडली दिया हुआ है कि यहाँ से कोई भी दोषी जो है वो ऐसे बच के नहीं जा सकता। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।